अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवाने जा रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरीके से पैटर्न प्रिंट करवाना है। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लॉजिक बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके पास जितने नंबर्स ऑफ वर्ड हैं उतने ही आपके पास स्टार्स हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर्स ऑफ वर्ड हैं और हमारे पास यहाँ पर हर लोग के अंदर 5 स्टार हैं। तो इसमें हमें 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। एक लूप हमारा प्रिंट करवाएगा रोज को और सेकेंड लूप हमारा प्रिंट करवाएगा स्टार को। तो आइए पाइथन आइडियली में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो हम आ गए हैं अपनी पाइथन आइडियली में। तो सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं। हम यहाँ पर इंटीजर नंबर इनपुट लेंगे तो हमने टाइप किया है इंट। उसके बाद हम इनपुट का फंक्शन टाइप करते हैं। हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि इंटर एनी नंबर। यूजर यहाँ पर नंबर इंटर करेगा। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं जो कि रोज को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं फोर आई इन रेंज। आपके पास यहाँ पर आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हम इसे कहते हैं कि आपने चलना है 1 से और जहाँ तक यूजर नंबर इंटर करे वहाँ तक चलना है आपने। तो हम इसे कहेंगे ए तक। तो हमें मालूम है कि इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं होगा, तो इसी वजह से हमें इसे ए प्लस 1 करना पड़ेगा। और हम इसे कहते हैं कि आपने 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो आइए सबसे पहले तो लूप प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ये लूप वर्क कर रहा है। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं। यूजर यहाँ पर नंबर इंटर करता है 5। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 5 नंबर से लूप प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये लूप तो वर्क कर रहा है। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक इनर लूप लगाएंगे जो कि स्टार प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं 4J इन रेंज। यहाँ पर J आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल कीजिएगा कि आपके पास आई और जे दोनों सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप आउटर लूप के अंदर सी या डी जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं वही आप वेरिएबल इनर लूप के अंदर यूज ना करें। इसके बाद हम इसे कहते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और आपने चलना है ए तक। तो हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास जो नंबर यूजर ने इनपुट किया था उतने ही हमारे पास स्टार प्रिंट हो रहे थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 1 करेंगे। उसके बाद हम इसे कहेंगे कि आप 1 का इंक्रीमेंट करें। उसके बाद हम इसकी बॉडी में प्रिंट करवाएंगे स्टार। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। इसे सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं 6। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 6 रोज प्रिंट हो रही हैं और हर रो के अंदर 6 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 लूप यूज किए हैं। एक लूप हमारा नंबर और रोज प्रिंट करवाएगा और दूसरा लूप हमारे पास स्टार प्रिंट करवाएगा। तो जो हमारा आउटर लूप है यहाँ पर जो नंबर और रोज प्रिंट करवाएगा, हमने उसे कहा है कि आप स्टार्ट हों 1 से और जो यूजर नंबर इनपुट करे वहां तक चले। हमने यहाँ पर नंबर इनपुट किया है 6, तो इसका मतलब है कि हमारा आउटर लूप चलेगा 6 टाइम। तो जब हमारा लूप 1 के लिए चलेगा तो ये इसकी बॉडी में आएगा। इसकी बॉडी में आने के बाद हमने इसे एक और लूप यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया हुआ है और हमने इसे कहा है कि आपने चलना है 1 से और जो यूजर नंबर इनपुट करे वहां तक चलना है। यूजर ने यहाँ पर नंबर इनपुट किया है 6, तो ये लूप चलेगा 6 टाइम। ये लूप 6 टाइम चलेगा तो हमारे पास 6 स्टार प्रिंट करवाएगा। इसी तरीके से ये आउटर लूप चलेगा सेकंड टाइम चलेगा तो ये हमारे पास इसकी बॉडी में आएगा। इसकी बॉडी में आने के बाद हमारे पास एक और लूप है। उस लूप को हमने कहा है कि आप 1 से स्टार्ट करें, जो यूजर नंबर इनपुट करे वहां तक चलें। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास 6 टाइम प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा ये आइटरेशन 6 टाइम कंप्लीट होंगी और उसके बाद ये हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ आई और अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।